नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल चार राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने कनाडा सरकार को भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा, कनाडा में भारत विरोधी तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया जाएगा। और कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज रात कैलगरी में सिंगल्स के दूसरे दौर में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान के नात्सुकी निदाइरा से और लक्ष्य सेन कुएलो इगोर से खेलेंगे। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी चार राज्यों के दो दिन के दौरे पर जाएंगे। एक रिपोर्ट। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के रायपुर में करीब 6,400 करोड़ रुपए की लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना सहित कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। वे कल ही उत्तर प्रदेश में गोरखपुर से दो वंदे भारत रेलगाड़ियों को झंडे दिखाकर रवाना करेंगे। प्रधानमंत्री वाराणसी में एक कार्यक्रम में शामिल होंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री तेलंगाना में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं सहित वारंगल में करीब 6,100 करोड़ रुपए की ढांचागत विकास परियोजना की आधारशिला रखेंगे। बाद में वे राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी 30 बिस्तरों वाले एक नए कर्मचारी राज्य बीमा निगम अस्पताल का भी उद्घाटन करेंगे। रईसुद्दीन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनक लता। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसद का मॉनसून सत्र पुराने भवन में 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभी दलों से मॉनसून सत्र के दौरान विधायी कार्यों और अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा के लिए सहयोग देने का अनुरोध किया। श्री जोशी ने ट्वीट संदेश में कहा कि 23 दिनों के सत्र में सदन की 17 बैठकें होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। भैया जी, सारी तैयारी कर ली अपने गोपाल की शादी की? आप चिंता ही मत कीजिए, लच्छू सब संभाल रहा है। अच्छा भैया जी, जैसे आप बताए थे सेम टू सेम जूते आ गए हैं, शेरवानी फिट करा लिया है और टोपी एकदम लल्लन टॉप। भैया जी, यहाँ का भी अपॉइंटमेंट ले लिया है हमारे लिए? हमने कहा था ना भैया जी, लच्छू सब संभाल रहा है, एकदम हीरो बना के ले जाएंगे अपने भाई को। वहाँ बात की परिवार नियोजन। भैया जी, ऐसी बातों में मर्दों का क्या काम? अपने परिवार की प्लानिंग में तेरा कोई काम नहीं। जब बहू आएगी तुझे पूछेगी बुढ़बा कि परिवार नियोजन का कौन सा तरीका अपनाना है, तो क्या कहेगा? लच्छू संभाल रहा है। क्या बोल रहे हैं भैया जी? फोन लगा। और सिर्फ ब्याह नहीं, ब्याह के बाद की समझदारी की तैयारी करो, समझे? भैया जी, शर्माता है, पकड़ो है। सेहत और सोच दोनों से तैयार होकर परिवार बढ़ा रहा है इंडिया, अपना भविष्य पक्का बना रहा है इंडिया। फोन करें और परिवार नियोजन से जुड़ी सब जानकारी पाएं। जोड़ी जिम्मेदार, जो प्लान करे परिवार। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में भारत विरोधी तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग आतंकवाद और अलगाववाद के लिए कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने आज नई दिल्ली में कहा कि भारतीय राजनयिकों और मिशनों के खिलाफ हिंसा वाले पोस्टर की भारत घोर निंदा करता है। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताते हुए कहा कि इस मामले को नई दिल्ली और ओटावा दोनों जगह कनाडा के प्रशासन के समक्ष गंभीरता से उठाया गया है।
With respect to Canada, the matter has been strongly taken up with the Canadian authorities, both in New Delhi and in Ottawa. We have called on the government of Canada to take all steps to ensure the safety of our diplomats and security of our diplomatic missions in Canada. It is a matter of concern that freedom of expression and speech is once again being misused by anti-India elements based in Canada and elsewhere. And we continue to press the Canadian side to ensure that our diplomats can carry out their normal functions without fear or intimidation. प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कनाडा सरकार से भारतीय राजनयिकों और मिशनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाने को कहा है। श्री बागची ने कहा कि ये मुद्दा अभिव्यक्ति की आजादी का नहीं बल्कि हिंसा की वकालत करने, अलगाववाद का प्रचार करने और आतंकवाद को कानूनी मान्यता देकर इसके दुरुपयोग का है। भारत ने फिर कहा है कि सिंधु जल समझौते के मामले में तथा कथित मध्यस्थता अदालत का गठन समझौते के प्रावधानों का उल्लंघन है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि स्थायी मध्यस्थता अदालत ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा है कि अवैध रूप से गठित तथा कथित मध्यस्थता अदालत ने व्यवस्था दी है कि वो किशनगंगा और रातलेपन बिजली परियोजनाओं के मामले पर विचार करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत ने कहा है कि इन परियोजनाओं से जुड़े मतभेद पर तटस्थ विशेषज्ञ पहले से ही विचार कर रहा है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत को ऐसी किसी भी अवैध और समानांतर कार्रवाइयों में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता जिसका समझौते में उल्लेख नहीं है। भारत और सिंगापुर ने कार्मिक प्रबंधन और लोक प्रशासन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने संबंधी मौजूदा समझौता ज्ञापन को वर्ष 2028 तक बढ़ाने संबंधी एक दस्तावेज पर आज हस्ताक्षर किए। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के सचिव वी श्रीनिवास तथा भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त सिमोन वांग ने इस पर हस्ताक्षर किए। फ्रांस के राष्ट्रपति के राजनयिक सलाहकार इमैनुअल बन ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने श्री मोदी की आगामी फ्रांस यात्रा के संदर्भ में द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति की जानकारी दी। श्री मोदी ने इस महीने की 14 तारीख को बैस्टिल दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा की तैयारी को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज इमैनुअल बन के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जापान भारत संघ के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री योशीहिदे सुगा से मुलाकात की। श्री सुगा 100 से अधिक सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ भारत की यात्रा पर हैं। कर्नाटका के बेंगलुरु में G20 देशों के अंतरिक्ष आर्थिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय साझेदारी की संभावनाओं पर चर्चा हुई। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया कि बैठक के दौरान अंतरिक्ष एजेंसियों, उद्योगों और स्टार्टअप के बीच साझेदारी पर विचार विमर्श किया गया। एक रिपोर्ट। स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट के पहले दिन 27 देशों के प्रतिनिधि और 33 उद्यमों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें आज भारतीय निजी उद्योगों के सामर्थ्य पर गौर फरमाया गया। कल बैठक के अंतिम दिन स्पेस इंडस्ट्री सहयोग को लेकर चर्चा होगी। इन स्पेस के चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार गोयनका आरंभिक विचार प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात G20 और आमंत्रित देशों द्वारा प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। स्पेस बिजनेस कनेक्ट सेशन में B2B मीटिंग होगी और उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्ताव रखे जाएंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 14 जुलाई को दिन में करीब 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस मिशन का उद्देश्य चंद्रमा पर अंतरिक्ष यान उतारने की तकनीकी का प्रदर्शन करना है। Chandrayaan 3, 14th at 2:35 PM is the launch liftoff time, and if the launch takes place on that day, then we will be ready for landing on Moon possibly by the last week of August. So the date is decided by when is the sunrise on Moon. Chandrayaan 3 Chandrayaan 2 ka anuvarti mission hai. इस मिशन में लैंडर चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग करेगा और रोवर लैंडर से निकलकर चंद्रमा की सतह की जानकारी भेजेगा।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। आजा, कैसा रहा काम का पहला दिन? अच्छा था। दीदी, आप गर्भ निरोधक गोलियां लेती हैं? हाँ, क्यों? नहीं, वो गांव में बुआ जी कहती थी कि ये सर टकराने से सर पे सींग निकल आते हैं, या फिर फल का बीज खा लिया तो पेट में पेड़ उगेगा, है ना? और ये भी कहती होगी कि गर्भवती औरतों को नदी नहीं पार करनी चाहिए। बुआ जी तो ये भी कहती होगी कि लड़कियों को नौकरी नहीं करनी चाहिए। तुम तो कहती हो। बुआ जी की सब बातें कब से मानने लग गई? यूं ही रह मत मानो, गोली की सच्चाई को जानो। नए जमाने की गर्भ निरोधक गोलियां हैं आसान, असरदार और भरोसेमंद। तभी तो विश्व भर में करोड़ों महिलाओं को गोली में विश्वास। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महाराष्ट्र का इतिहास और संस्कृति समृद्ध है। मुंबई के राजभवन में नागरिक अभिनंदन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों ने अपनी समृद्ध विरासत को संरक्षित रखा है। उन्होंने भारतीय समाज के प्रति योगदान के लिए महाराष्ट्र के संतों की सराहना की। कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज रात कैलगरी में महिला सिंगल्स के दूसरे दौर में पीवी सिंधु का मुकाबला जापान के नात्सुकी निदायरा से होगा। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन ब्राजील के कुएलो इगोर के साथ खेलेंगे। पिछले कुछ दिनों से वर्षा का कहर झेल रहे केरल के कुछ हिस्सों में आज बारिश से कुछ राहत मिली। हालांकि पहाड़ी इलाकों सहित कई जगहों पर रुक रुक कर वर्षा हो रही है। अल्लपुजा, पत्तनमतिट्टा और कोट्टायम के ऊपरी कुट्टनाड क्षेत्र के कई क्षेत्र अब भी पानी में डूबे हुए हैं। अधिकारियों ने कई परिवारों को राहत शिविरों में भेज दिया है। तटीय क्षेत्रों को मानसून के प्रकोप का सबसे अधिक नुकसान हुआ है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 4 राज्यों छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और राजस्थान में लगभग 50,000 करोड़ रुपए लागत की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। सरकार ने संसद के मॉनसून सत्र से एक दिन पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई। भारत ने कनाडा सरकार को भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय करने को कहा। विदेश मंत्रालय ने कहा कनाडा में भारत विरोधी तत्व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।